आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच है। सभी को इस वर्ल्ड कप के फाइनल का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है और सब लोग टीम इंडिया की सपोर्ट कर रहे हैं कि आज हमारी टीम इंडिया जीतनी चाहिए, क्योंकि सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया, ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराया और ये दो टीमें आज फाइनल में पहुंच चुकी हैं। इससे पहले की बात करें तो टीम इंडिया ने दो ट्रॉफीज़ ओडीआई वर्ल्ड कप की अपने नाम की हैं। 1983 में उस वक्त जब टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को फाइनल में हराया और उसके बाद 2011 में जब टीम इंडिया ने श्रीलंका को फाइनल में हराया। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक इस एडिशन की 7 गेम्स खेली हैं और 7 में से 5 ट्रॉफी टीम ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम की हैं और 2 एडिशंस जो हैं वो टीम ऑस्ट्रेलिया हार चुकी है। लेकिन आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच होने जा रहा है, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का ये फाइनल मैच है, सभी को इस मैच का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। अलग अलग सपोर्टर्स जो दोनों टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लोग हैं उन्हें चाहिए कि वो टीम इंडिया की ही सपोर्ट करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं जिस तरह से हमारे प्लेयर्स ने 10 मैच खेले हैं और 10 के 10 मैच अभी तक हमारी टीम इंडिया जीती है। दोनों टीम्स अच्छी फॉर्म में हैं, एक तरफ 5 टाइटल जीतने वाली टीम है, दूसरी तरफ 2 टाइटल जीतने वाली टीम है, लेकिन आज का ये ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल मैच जीतकर हमारी टीम इंडिया के नाम 3 टाइटल हो जाएंगे और अगर ये ऑस्ट्रेलिया ये मैच ले जाती है तो उनके नाम जो है वो 6 टाइटल हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले टीम ऑस्ट्रेलिया ने 5 टाइटल जीते हैं। आप दुआ करें कि आज हमारी टीम इंडिया जीते, क्योंकि पहले से ही हर जगह जो है वो सेलिब्रेशंस की तैयारियां पूरे जोश व खरोश के साथ की गई है कि जो ही टीम इंडिया जीतेगी तो पूरी तरह से जश्न मनाए जाएंगे। और आज जिस तरह से हम बात करें नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद की, वहां पर भी पूरी तैयारियां इस मैच के लिए की जा चुकी हैं। और इस वक्त हम बात करें विराट कोहली की, बात करें रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, शुभम गिल, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो पूरी फॉर्म में हैं, क्योंकि आपने लास्ट मैच देखा होगा सेमीफाइनल का जब मैच चल रहा था तो मोहम्मद शमी ने वहां पर 7 विकेट्स निकाली। उम्मीद करते हैं कि आज भी मोहम्मद शमी की वही फॉर्म बरकरार रहेगी, उसी फॉर्म से खेलेंगे और ऑस्ट्रेलिया को हरा कर ये टाइटल भी अपने नाम करेंगे। और ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे पहले अभी तक हमारी टीम इंडिया ने सिर्फ 2 टाइटल अपने नाम किए हैं और आज पूरी उम्मीद है कि आज तीसरा टाइटल भी टीम इंडिया के नाम ही होगा। आप लोग भी, इस वक्त प्रिडिक्शन टाइम है, आप लोग भी अपनी राय दीजिए कि कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं और कौन सी टीम आज ये वर्ल्ड कप फाइनल जीतनी चाहिए, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल 2023 चल रहा है। टीम इंडिया और टीम ऑस्ट्रेलिया के बीच ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है, कुछ ही घंटे बाद ये वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, यानी 2 बजे मैच जो है वो शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो है जब दोनों टीमें अपना प्रदर्शन करेंगी, कांटे की टक्कर का ये मैच होगा, क्योंकि दोनों टीमें अच्छी खासी फॉर्म में हैं। हालांकि इस एडिशन के पहले 2 मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया हार गई थी, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की फॉर्म वापस आ गई, वापस उन्होंने अपनी फॉर्म को बरकरार रखा और फाइनल तक जो है टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची। आज टीम इंडिया की अगर हम बात करें तो टीम इंडिया की सपोर्ट करें, दुआएं करें कि आज हमारी टीम इंडिया जो है वो इस वर्ल्ड कप फाइनल को जीत ले और आज भी जीत का सहरा टीम इंडिया के सर ही सजे। बहरहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है, कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं और कौन सी टीम जीतनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।